आप लोगों से हमेशा बोला है मैंने कि कोई भी काम कर रहे हैं आप लोग, उसके बारे में आप लोगों को बहुत विस्तार से समझ लेना चाहिए। यानी कि आगे क्या हुआ है, उसमें क्या क्या होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप किसी तैरने का काम करते हैं, तो किसी समुद्र में तैरने जा रहे हैं आप लोग, तो कम से कम उसकी गहराई और लंबाई तो पता करेंगे कि ऐसे ही उतर जाएंगे। तो इसी तरह बोलता हूं कि कोई भी एग्जाम है आपका, सिविल सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका वन डे एग्जाम ले लीजिए, सबसे निचले स्तर का वो एग्जाम ले लीजिए आप लोग, तो उसका भी मुझे लगता है कि आपको सिलेबस आपकी टेबल पर होना चाहिए, और कम से कम 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर आपकी टेबल पर होना चाहिए। इससे क्या रहता है कि आपको अंदाजा लग जाता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से क्या स्कोर रहा है, पॉलिटी से क्या स्कोर रहा है, करंट से क्वेश्चन कितने रहे हैं, एनसीईआरटी का कितना महत्व है, आपको पता चल जाएगा इससे। तो हम लोगों ने 2011 से लेकर 2019 तक के देख चुके थे, ये 2020 का आपका सिविल सर्विस यानी कि आईएएस या यूपीएससी का पेपर है, और आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चंस पेपर होते हैं, इस पर हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, यूपीएससी के पैटर्न पर हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं कि क्या जरूरी है, इसमें कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ बता चुका हूँ, और प्रीलिम्स का भी आपका सिलेबस बता चुका हूँ, मेंस का भी सिलेबस बता चुका हूँ, बहुत ही साधारण शब्दों में बताया है, और जो भी पुराने 7 से 8 साल के क्वेश्चंस पेपर 9 साल के वो भी मैं लगवा चुका हूँ। तो याद रखिए, अगर आपको विस्तार से इनका पढ़ना है तो आप कोई भी बुक्स खरीद कर पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि विस्तार के पढ़ने की बजाय आप लोग क्वेश्चंस पेपर क्वेश्चंस देख लीजिए। अब देखिए, इतना तो क्लियर है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होगा, लेकिन ये मालूम जरूर चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनका पैटर्न क्या है क्वेश्चंस पूछने का। और दूसरा पेपर आप जानते हैं सीसेट, तो आपका क्वालिफाई होता है, उसमें ज्यादा आपको टेंशन भी नहीं रहती है, नॉर्मल आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो हो जाता है आपका। लेकिन पेपर फर्स्ट ही मैंने, अगर ये पेपर आपका स्कोर अच्छा नहीं रहता है तो आपका मेंस की तैयारी कितनी भी बेहतर हो, मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ उखड़ पाएगा। आप ही सोचिए, जब आप पहला पड़ाव ही पार नहीं कर पा रहे हैं तो अगले क्या करेंगे। तो इसलिए ये पेपर फर्स्ट, ये आपका सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है 2020 का। आप सभी जानते हैं कि पूर्णांक 200 नंबर का रहता है, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। कितना? 2 घंटे का समय मिलता है। और पुराने क्वेश्चंस पेपर आप लोग लगा लीजिए, आपकी एनसीईआरटी कवर करवा चुका हूँ, आपका एमपीपीएससी का सभी कुछ कवर करवा चुका हूँ लगभग, और यूपीपीसीएस के पुराने पेपर हों, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस, और भी बताइए जो भी कमी रह गई हो। ठीक है, जीएस के लिए तो मुझे लगता है कि काफी मटेरियल दे चुका हूं आप लोगों को, तो आप लोग देखते रहिएगा। ये प्रश्न पत्र फर्स्ट है, इसमें याद रखिए, अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर गलत हो जाता है, आपको बेहतर मुझसे मालूम है, तो आप नीचे विस्तार से लिख सकते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप एक तरह से ना समझें और मैं भी एक तरह से ना समझूं, यही देखकर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं किसी में गलती हो जाती है तो आप लोग नीचे सुधार दीजिए। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, आप सभी जानते होंगे, ये हम पीडीएफ उस पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, या फिर आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इतने तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, गूगल मास्टर हैं इतने तो। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक बात और याद रखिए, इसमें जब कथनों पर विचार करना है तो या तो आप लोग पहले इस कथन को पढ़ लिया करिएगा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, जैसे आपको सहूलियत लगे, बस आपको इस पॉइंट को बड़े अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सही है या नहीं है यह पूरा अर्थ बदल जाता है। जैसे सही नहीं है जुड़ता, तुरंत आंसर का मतलब ऑप्शन ही बदल जाता है, तो इसकी वजह से हम लोग आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर बैठते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, क्या पूछ रहा है, कौन सही है। तो इसमें हम लोग, एक सेकेंड, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है, गलत है। तो राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है,
ये आपका बिल्कुल सही है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ये आपका गलत है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें वैसे आप क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन, 2 और 4 आपका कथन सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। देखिए ये वन डे एग्जाम नहीं है कि आपको एक लाइन में देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, फिर आपका मतलब क्या रहा है। तो इसलिए बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। तो राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है आखिर, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, नहीं संविधान में संशोधन करने के विषय में। आप देखते होंगे कि संविधान में संशोधन अगर करना है तो राज्यसभा के पास भी उतनी ही शक्ति है और लोकसभा के पास उतनी ही शक्ति है। सरकार को हटाने के विषय में गलत है, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में यह भी नहीं है। तो इसमें क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन। अब अगला तीसरा क्वेश्चन, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है आपसे, और इसको भी पढ़ लेना आप लोग, या तो पहले पढ़ लेना या लास्ट में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। क्या करना है, सही उत्तर चुनना है आपको। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। बिल्कुल सही है। प्रत्येक सांसद निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना चाहिए, ये भी आपका सही है। और आपका जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है इसकी निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नीत नहीं किया जा सकता है, ये आपका गलत है। कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग, एक एक सही है आपका, 2 सही है और आपका 4 सही है, तीसरा आपका गलत है। 1, 2, 4 कथन आपका सही होगा, कौन सा 1, 4, 1, 2, 4, यानी कि इसमें आप बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पष्टता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पष्टता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, तो ये आप देखेंगे समता का अधिकार, समता का अधिकार। एक बात और आपको बता दूं, आप देखते होंगे आर्टिकल 17 में आपको अस्पष्टता के अंतर से संबंधित है। मौलिक अधिकार कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो संविधान में आप लोगों को पॉलिटी में देख लेना चाहिए। आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार से हर साल क्वेश्चन पेपर आपके पूछे जाते हैं, संसद हो गए, राज्यसभा, लोकसभा, इनसे क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। अभी आपका यूपीपीसीएस हुआ, उसका उठाकर देखिए आप लोग पेपर, उसमें भी काफी आपकी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति, यानी कि संविधान, आप सोचिए आज हर किसी को मालूम होना चाहिए अधिकारों के बारे में, अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में, अपने राष्ट्रपति साहब के बारे में, अपने प्रधानमंत्री किस तरह से चुने जाते हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे प्रादेशित है। तो मुझे लगता है कि आप जानते होंगे इसे, तो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों द्वारा, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों द्वारा आपकी भारत में जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग पृथक्करण है, ठीक है, ये आपका जो आपके राज्य की नीति निदेशक तत्व है इसी में सम्मिलित है, भाग 4 में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इंग्लिश में आप लोग हैं तो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़ते रहिए, पीडीएफ आपका दे देंगे। देखिए ऑप्शन तो बदलेगा नहीं, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बेहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है, या पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत
किए जाते हैं। चिरकाल संसदीय परंपरा के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सिक्स में क्या होगा, छठवे में आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, परिभाषा से संविधानिक सरकार का अर्थ क्या है। परिभाषा से संविधानिक सरकार का अर्थ क्या है आखिर। तो आप देखेंगे विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग आपको कर सही उत्तर चुनना है। उद्देशिका में, राज्य की नीति निदेशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। तो इसमें आप देखेंगे उद्देशिका में, राज्य की नीति के निदेशक तत्व में, मूल कर्तव्य में भी। ठीक है, सभी में। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग, डी ऑप्शन। क्या लगाओगे, डी ऑप्शन। एक बात और आप लोगों से हमेशा बोलता आया हूं कि हमारे देश में अगर अपने मौलिक अधिकारों के प्रति लोग जागरूक हो जाएं और अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति, तो 90% से 95% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या होता है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकारी संपत्ति को जलाने लगते हैं। आप समझिए कि वो संपत्ति, सरकारी संपत्ति किसके पैसे से खड़ी हुई है, हमारे आपके टैक्स लेते हैं हम लोगों से। अब कई लोगों के मन में आता है सवाल कि वो सर मैं टैक्स नहीं देता हूं डायरेक्ट, तो याद रखिए इनडायरेक्ट तो टैक्स हर कोई देता है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या फिर गली का कोई रिक्शा चालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नौवां, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इसका सही आपको कूट चुनना है, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, फिर आपका 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्यों को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो इसमें सही आपको चुनना है। तो इसमें आपका होगा पहला, क्या होगा, पहला होगा आपका 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तो इसमें 1 होगा और आपका 2 होगा, यानी कि क्या लगाएंगे आप लोग, ए ऑप्शन, 1 और 2, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर बात, मतलब विचार करना है। ये आपके अंतरराष्ट्रीय समझौता या संगठन हो गए, ये विषय हो गए आपके। इसमें आपको युग्म सही सम्मिलित चुनना है। क्या चुनना है, सही सम्मिलित चुनना है आपको, सही सम्मिलित क्या करना है, चुनना है। अल्मा आटा घोषणा, ये आपका क्या है, अल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हेग समझौता जैविक एवं रासायनिक शस्त्र से संबंधित है, गलत है। तालानुवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यह भी सही है। अंडर टू गठबंधन बाल अधिकार से संबंधित है, यह आपका गलत है। तो इसमें 1 आपका सही है और 3 सही है आपका। तो इसमें क्या लगाओगे, सी। क्या लगाओगे, सी ऑप्शन। और याद रखिए आपके जितने भी संगठन है, फिर चाहे राष्ट्रीय संगठन हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, सभी कवर करवा चुका हूं। अगर फिर भी आपको लगता है कोई छूटा है तो उसे आप लोग बताइए, उसे भी कवर करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए कोई आंसर अगर आपको लगता है कि इसमें गलत है तो आप थोड़े विस्तार से नीचे लिख दिया करिएगा। ठीक है, क्योंकि गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। गलत है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। बिल्कुल सही है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। गलत है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने की पूर्व हटाई नहीं जा सकती। आप देखते हैं हटा दिया जाता है। तो इसमें क्या है, बी है, 11 में बी है आपका, 11 में क्या है, बी। क्वेश्चन है अगला,
भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य की नीति के निदेशक तत्व 12 में से ए, ठीक है? 12 में क्या है? ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है और सही कथन आपको चुनना है। सही कथन क्या करना है? चुनना है। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे का को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। ये आपका बी दूसरा सही है। तो इसमें केवल दूसरा कथन आपका सही होगा। 13 में क्या लगाएंगे आप लोग? 13 में लगाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या अगला क्वेश्चन हमारा 14वां? गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है या निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए जैसे ही वाद जुड़ता है ना, वाद इसका एक विचारधारा हो जाती है, जैसे गांधीवाद यानी कि एक विचारधारा हो गई, गांधी की विचारधारा जो थी उसे ही आप लोग गांधीवाद कह देते हैं, ठीक है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक नीतिवाद। तो इसमें क्या होगा आपका? ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चरित्र चित्रण है? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, दूसरा बी है संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो इसमें आपका डी होगा। 15 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है 16, भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो 16 में क्या लगाएंगे आप लोग? डी। 16 में भी डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्या पूछ रहा है? स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, किसे करता है निर्दिष्ट? विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था को, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली। तो 17 में भी आपका डी होगा, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। आप लोगों ने देखा होगा संगठन से आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता हो, फिर चाहे विश्व बैंक हो, फिर चाहे आपकी RBI हो, फिर चाहे IMF हो, फिर चाहे आपका WTO हो। तो संगठनों को सभी को अच्छे बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन है अगला, भारत के संविधान में भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे? बिल्कुल नहीं। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे? बिल्कुल सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो इसमें आपका दूसरा होगा और तीसरा होगा। देखिए जो आपके नीति निदेशक तत्व हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कोई एक तरह से आपको अधिकार देने की बात की गई तो जरूरी है। अभी आप देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में अगर आपका अधिकार का कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन नीति निदेशक तत्वों में ऐसा नहीं है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एक तरह से आप सोचिए कि राज्य सरकारों पर निर्भर करता है वो दे रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपके लिए कुछ। तो इसमें आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा, 18 में डी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, इनमें से सही कथन चुनना है। इस पॉइंट को बड़े अच्छे से पढ़ना है, आपको बार बार मैं बता रहा हूं। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडित अपराध के अंतर्गत दोषी पाया जाता है और जिस
और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका है। तो इसमें से सही आपको चुनना है, क्या चुनना है? सही कथन आपको चुनना है 19 में। 19 में आपको सही कथन चुनना है। तो इसमें एक बात याद रखिए, मैं आप लोगों को विस्तार से बता देता हूं, इसमें ना तो एक सही होगा ना ही दो सही होगा। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य हो, किसी राज्य में 6 बार के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब जब जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। आप लोग ही सोचिए कि जैसे 18 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, आप वोटर बन चुके हैं, मतदान करने योग्य हो गए हैं, तो क्या आप विधायक बन जाएंगे? क्या आप सरपंच बन जाएंगे? क्या आप मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं ना, क्योंकि आपको मिनिमम, अगर लोकसभा से जा रहे हैं आप लोग, तो 25 साल होनी चाहिए उम्र, और राज्यसभा से जा रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम 30 साल होनी चाहिए। समझ रहे हैं? अगर सरपंच बनना है तो उसके लिए भी तो 21 साल निर्धारित की गई, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य हो गया, तो वो तो 18 साल की उम्र में हो गया। तो याद रखिए, 25 साल अगर लोकसभा से चुना जाता है, या आप विधानसभा मान लीजिए, तो 25 साल होना चाहिए मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए, और अगर राज्यसभा या विधान परिषद से जाता है तो फिर 30 साल होनी चाहिए। और याद रखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी का सदस्य ना हो, विधानमंडल का या लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद का, तो विधान परिषद से आप जानते हैं कि मंत्री भी बन सकता है और मुख्यमंत्री भी बन सकता है, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे चुनाव लड़ना होगा किसी जगह से, और आप देखेंगे जीत के आना होगा। अभी एमपी में आपने देखा है, या फिर आपने महाराष्ट्र में देखा था उद्धव ठाकरे को लेकर, कि वो किसी उसके सदस्य नहीं थे, ना तो विधानमंडल के, यानी कि किसी भी के नहीं थे, ना राज्य विधानसभा की थी ना विधान परिषद की थी, लेकिन कुछ समय बाद आपने देखा है कि उन्होंने चुना है, उन्होंने उन्हें मनोनीत किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका ना तो एक सही होगा ना ही दो। अगला क्वेश्चन है आपका सामने, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत आह्वान कर सकता है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद की 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। सही कथन आपको इनमें से चुनना है, क्या करना है? सही कथन इनमें से आपको चुनना है। तो इसमें आपका भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है, बिल्कुल सही है। और एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है जब संसद का चलना आवश्यक हो, ठीक है, तो इसमें आपका सी होगा, 1 और 3 बिल्कुल सही होगा। क्या लगाएंगे आप लोग? सी ऑप्शन। चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और निम्नलिखित उपयुक्त युग्मों में से कौन सा कथन सही है, कौन से सही है, यानी कि सही आपको बताना है, क्या बताना है? सही बताना है। औरंग राजकोष का प्रभावी प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मीरा सीदार राजनामित राजत्व दाता। तो इसमें आपका 2 और 3 सही है, तो केवल 2 और 3, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 21 में। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें आपको सही कथन चुनना है कि कौन कौन से सही कथन आपके हैं। तो इसमें स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है, आप लोग जानते हैं बिल्कुल गलत है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, बिल्कुल सही है। महासंघिक संघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका दूसरा सही है और तीसरा सही है, ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? बी ऑप्शन। 22 में क्या लगाओगे? बी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारत
भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीन की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ब्रिटिश उत्पादन की आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। तो आपने देखा होगा कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे इस समय, तो इसमें आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है आपको, क्या करना है, विचार करना है। उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है आपको, क्या करना है, सही व्यवस्थित करना है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना होती है पहले, फिर गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना की जाती है, फिर राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय होता है, फिर आप देखेंगे परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना की जाती है। तो पहले आपका 2, फिर उसके बाद 4, फिर 1, 3, यानी कि सी ऑप्शन आप बिल्कुल सही लगाएंगे। सी ऑप्शन क्या लगाएंगे, सही। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक उत्तर रहस्यकालीन स्रोतों में प्राग उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है, हुंडी की कौन बताता है। राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली वही विनिमय पत्र, क्या है, विनिमय पत्र होगा इसमें। सामंत द्वारा अपनी अधीनस्थों को दिया गया आदेश, तो इसमें आपका विनिमय पत्र होगा हुंडी, ठीक है, सी ऑप्शन। चलते हैं 26वें क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशतेज देशतेज कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, और सही कथन आपको चुनना है, क्या चुनना है, सही कथन। इस पुस्तक ने उपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की संभोग विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया, तो इसमें आपका 2 और 1 सही है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्या होगा, ये ऑप्शन। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा क्या क्या शामिल था, सही उत्तर चुनना है आपको। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करते हुए करने हेतु गांधी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, तो इसमें आपका 1 सही है, 2 भी सही है और 4 भी सही है, तो क्या लगाएंगे आप लोग, बी ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आसपास से समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो आप सभी को मालूम होगा कि ये थे गोपाल, कौन थे, गोपाल बाबा वलंगर वलंगकर, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए भूमाप को, इसीलिए बोलता हूं एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि ये शब्द आपको मुझे नहीं लगता है कि कहीं आप स्पेशल बुक्स पढ़ेंगे उसमें दिया होगा, लेकिन उतना विस्तार से नहीं दिया हुआ, लेकिन जब आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो ये शब्द आपको वहां देखने को जरूर मिलेंगे, कोई भी शब्द हो, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है आपकी एनसीईआरटी। और बार बार फिर बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी बिना पढ़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडन करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, किसने कहा था, आप सभी को मालूम होगा कि अशोक, किसने, अशोक ने। वैसे आप लोग देखेंगे कि अशोक फिर चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाणक्य हो, या फिर हमारे बुद्ध हो, फिर चाहे आपके बुद्ध जैन हो, सबके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात कर चुके हैं, इनकी बायोग्राफी के बारे में कवर चुके हैं, आपके प्रधानमंत्रियों के बारे में, राष्ट्रपतियों के बारे में, और भी जो व्यक्ति चर्चा में रहते हैं, और भी कोई छूटा हो तो आप लोग बताइए, उसे भी कवर करवा दूंगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि आप किसी को सम्मान देंगे आपको सम्मान मिलेगा, आप किसी के धर्म को सम्मान नहीं देंगे आपका धर्म नीचे जाएगा, कोई भी सम्मान नहीं करेगा, तो सम्मान लीजिए और लीजिए, उसी सिद्धांत पर आधारित है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ
परामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत पद्धति में लिखे गए प्राचीन धर्मशास्त्र पाठ वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां, यानी कि 31 में आपका सी होगा, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ है, 31 में आपका सी। क्वेश्चन है हमारे सामने 32 भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो इसमें क्या होगा आपका, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दंपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। तो इसमें सहमति की आयु और आपका दंपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, तो इसमें केवल 2 और 3 होगा, यानी कि आप बी ऑप्शन लगाएंगे। क्या बी ऑप्शन? निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका आलाप कर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो आप जानते होंगे कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, और आप जानते हैं अगर लाभकारी ना हो तो आप किस लिए खेती करेंगे, ठीक है? तो 33 में आपका बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन अगला है 34। बेलेजली ने कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? बेलेजली ने कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? उसे लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा, वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था, वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, और ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो इसमें आप देखेंगे डी होगा, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो 34 में आप डी लगाएंगे। 35 क्वेश्चन है भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो 1857 के विद्रोह का, 1921 के मोपिला या मापिला विद्रोह का, 1859 से 60 के नील विद्रोह का, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो इसमें आपका डी होगा, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का, ठीक है? 35 में आपका डी। क्वेश्चन है 36, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही आपको कथन चुनना है। फणिनी पुष्पमित्र सुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है, इनमें सही क्या है, सही जोड़ी यानी कि सही कथन कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें केवल कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, यानी कि तीसरा, ये यानी कि सी ऑप्शन आपका 36 में बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रित स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसमें आप देखेंगे इन बिंट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग, दूसरा है शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का अनुवांशिक रूपांतरण, स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास और संतान में सूत कणिका वाले रोगों का निरोध। तो इसमें आपको होगा संतान में सूत कणिका वाले रोगों का निरोध, यानी कि 37 में आप क्या लगाएंगे, डी। 37 में डी। अगला क्वेश्चन है विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकता है? इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है, इनमें से क्या चुनना है, सही उत्तर चुनना है। 38 में आपको सही उत्तर, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, सार्थक लघु कहानियों और गीता की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का विस्तार संचार। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन, आपके पांचों कथन बिल्कुल सही है। 38 में क्वेश्चन है हमारा 39, दृश्य विकास संचार तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है, सही कथन चुनना है आपको, सही कथन कौन सा है? BLC 375 से 780 NM वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है, बिल्कुल सही है। BLC को
VLC को दीर्घ प्रासी विकास बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल गलत है। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित यानी कि भेजती है। बिल्कुल सही है। VLC में विद्युत चुंबकीय विद्युतीकरण नहीं होता है। ये भी सही है। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? 1-3 सही है, 1-3-4 सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। ब्लॉक चेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। सही कथन चुनना है। क्या चुनना है? सही कथन चुनना है। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। बिल्कुल सही है। ब्लॉक चेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसकी समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। गलत है। ब्लॉक चेन के आधारभूत विशिष्टियों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। ये भी सही है आपका। तो 1-3 आपका कथन सही होगा। ठीक है, दूसरा गलत होगा। एक बात और बताऊं आप लोगों को, आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं रटना है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि यही क्वेश्चन रट के चले जाइए। इनकी व्याख्या पढ़ना है, पढ़िए। नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़िए। बस आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिए एक बार, उनकी शक्ल तो देख लीजिए कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, पॉलिटी से कितने आ रहे हैं, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना बोल रहा हूं मैं व्याख्या के लिए कभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग रटिए। ठीक है, या अगर व्याख्या ही रटनी होती और तो आप लोग मार्केट से पूरी बुक्स ले आइए, दृष्टि निकालता है ये, कोई भी निकालेगा और आप लोग लगा लीजिए। ऐसा नहीं करिए, मत करिए, आप लोग देखिए बस निकल जाइए। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है और सही कथन चुनना है। क्या चुनना है? सही है। इनको मानव शरीर में औषधियों उत्तेजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त है। एक सेकंड रुकिएगा। इनको मानव शरीर में औषधियों और उत्तेजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जा सकता है। बिल्कुल सही है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशी केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण होती है। तो इसमें आपका एक भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही और चौथा भी सही है, यानी कि आप डी ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 41 में डी। अगला क्या है? 42 क्वेश्चन। निम्नलिखित गतिविधियों पर आप विचार कीजिए। क्या करना है? विचार। खेत में फसल पीड़क नाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण, कलती हुई हेलों के श्वास के नमूने एकत्रित करना, तकनीक के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किससे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो आप जानते हैं तीनों को किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तीनों को किया जा सकता है। तो इसमें 42 में आप क्या लगाएंगे? डी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 43। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानी कि बीच में लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? तो इसे तो आपको मालूम होना चाहिए कि लीसा को। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। जो भी पढ़ना हो पढ़ते रहिए। 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। भावी माता पिता के अंडे या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में अनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति को जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक बूढ़ी अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुसख्त स्टेम कोशिकाओं को एक सुकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। ये तीनों किए जा सकते हैं। तो इसमें डी होगा आपका। 44 में क्या लगाएंगे आप लोग? डी। क्वेश्चन है 45। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? सही कथन, सही उत्तर चुनना है हमें। ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तनिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। उन पिति जीवियों में पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है।
इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं हो और ना ही ये वैक्सीन कोई पितिवृद्ध जलता संबंधी अभिक्रियाएं करती है। तो इसमें आपको सही चुनना है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन। एक और तीन आपका कथन बिल्कुल सही है। एक तीन कैसा है? बिल्कुल सही है। माफ करिए, एक दो। इसी तरह की तो गलती हो जाती है। ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तनिका शोथ और सेप्सिस सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। उन पितिजीवियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं विरुद्ध प्रभावी नहीं है। तो इसमें आपका एक और दो सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मुझे लगता है यही सोच के गलती हो जाती है कि आप लोग पीछे बैठे हुए हैं ना, आप लोग देखेंगे आप सुधार के नीचे लिख देंगे, तो आप लोग भी तो जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किससे के प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, दूर संचार और परिवहन आधारभूत संरचना। तो इसमें आप देखेंगे डिजिटल सुरक्षा और सुरक्षा आधारभूत संरचना। तो इसमें क्या होगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान अंतर के बारे में सही है? इसमें आपको सही कथन भी चुनना है। क्या चुनना है? सही कथन चुनना है। तो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है, में भी होती है। गलत है। परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बेहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। तो इसमें आपका एक भी सही होगा, तीन भी सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो इसमें क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन। क्या लगाएंगे? सी। निम्नलिखित में से कौन से कारण कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? क्या बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? शौचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉली यूरेथिन से निर्मित उत्पादन का उपयोग। कूट कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आपका डी होगा, पांचों होंगे इसमें। ठीक है, क्या होंगे? पांचों होंगे। क्वेश्चन है अगला, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है? अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना, सही है बिल्कुल। कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, गलत है। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तना को बनाए रखना, परिवर्तनीयता को, गलत है। इसमें आपको सही चुनना था। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते में से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें आप देखेंगे मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की कमी हो जाएगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की वृद्धि हो जाएगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में अपरिवर्तनीय अपरिवर्तित रहेगी। तो 50 में आपका डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किए जाने वाले निवेश है, या मुख्यतः ऋण सृजित ना करने वाली पूंजी प्रवाह है, या ऐसा निवेश है जिसके ऋण समावेशन अपेक्षित होते हैं, या विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। तो इसमें आपका बी होगा, या मुख्यतः ऋण सृजित ना करने वाली पूंजी प्रवाह है। तो 51 में आप क्या लगाएंगी? बी। क्वेश्चन हमारे सामने अगला, वर्तमान में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर चुनना है आपको। और क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। भारत की माल का निर्यात माल के आयात से कम है, बिल्कुल सही बात है।
भारत के लौह इस्पात रसायनों उर्वरकों और मशीन के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है, गलत है। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते खाते का घाटा हो रहा है, ये भी आपका सही है। तो 1, 3, 4 आपका सही है, इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है अगला 53। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? तो ये आप देखेंगे किससे संबंधित है, कच्चे तेल की, किसकी, कच्चे तेल की। 53 में आपका ए होगा, 53 में क्या होगा, ये होगा। 54 क्वेश्चंस। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं? परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, राजकोषीय बिल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। तो इसमें देखेंगे आप लोग परिवारों का बकाया गृह ऋण और राजकोषीय बिल, माफ करिए राजकोषीय बिल नहीं, परिवारों का बकाया गृह ऋण और क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि। तो केवल 1 और 2 होगा इसमें, केवल क्या होगा, 1 और 2 इसमें होगा, यानी कि बी ऑप्शन आप 54 में लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले आगे। 55 है, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर आई ए ई ए सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं? क्यों नहीं रखे जाते हैं आखिर? कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का, कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों का, कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले। तो इसमें आपका बी होगा, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का, तो इसमें आपका बी होगा 55 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको चुनना है, ठीक है, क्या चुनना है, सही कथन। विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणामात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं, बिल्कुल सही है। ये वस्तुएं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपाय पर लागू होते हैं, गलत है। ये विदेशी निवेश के विनियम से संबंधित नहीं है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि आप लगाएंगे इसमें बी, माफ करिएगा सी लगाएंगे, 1, 3। ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है, क्या करूं, बोल देता हूं, बताता सही हूं लेकिन बोल देता हूं। क्वेश्चन है अगला 57। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा पूछ रहा है, ठीक है, सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना और बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना, तो इसमें आपको चुनना है सही उत्तर। तो इसमें 57 में क्या लगाएंगे आप लोग, केवल 2, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, इसमें केवल 2 होगा, नहीं करेगा, ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना नहीं करेगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, 1991 की आर्थिक उदारीकरण के बाद भी बात की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, इसमें आपको सही कथन बिल्कुल चुनना है, क्या करना है, सही कथन आपको चुनना है। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004-05 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति श्रमिक में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कमी हुई। कार्बल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। तो इसमें आपका 3 और 4 सही है, 1, 2 गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग, क्या लगाएंगे, बी, ठीक है, 58 में बी। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको चुनना है, क्या चुनना है, सही कथन चुनना है। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं, सी डी, माफ करिएगा, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कि DCCBS का सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना। दूसरा आपका सही है, पहला गलत है।
इसमें आप पी लगाइए, ठीक है, ये बोल दो। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त समानता निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं, कौन से लाभ दिए जाते हैं, और सही उत्तर चुनना है आपको। क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। यदि कोई वेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः विचालित करने में लगने वाला वाली लागत, बिल्कुल सही है। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्वों द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया तो नए कंप्यूटर की लागत, बिल्कुल गलत है। यदि साइबर बला ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाला लागत, ये भी सही है। कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाला लागत, तो इसमें ए होगा, एक सही, दो सही, माफ करिए, तीसरा सही और चार सही, दूसरा गलत होगा। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन, 1, 3, 4 सही होगा। 60 में आप बी, 60 में बी। क्वेश्चन है 61, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है, सही कथन आपको चुनना है। सभी फसलों के कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। तो इसमें आपका दूसरा सही है, तीसरा सही है और छठवां सही है, यानी कि क्या लगाएंगे आप लोग, सी ऑप्शन। 61 में क्या लगाएंगे, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62, भारत में फर्म फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है, या उस फर्म, सही उत्तर चुनना है इसमें, ठीक है, या उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है, कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है, या उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। उधार लेने वाले फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसका उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। तो इसमें आपका एक सही है और दो सही है, यानी कि केवल एक और दो सही होगा। इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, ए ऑप्शन, 62 में ए। चलते हैं अगले 63 क्वेश्चन की तरफ। हाल के बीतों दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी कारक नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायिकियां, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आपको चारों सही होंगे, चारों प्रभावित कर रही थी, ठीक है। 63 में क्या लगाएंगे, टी। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार और सही इसमें कथन आपको चुनना है। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। तो 64 में आपका भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख रहा है। तो इसमें आपका केवल दो कथन सही है, 64 में बी लगाओगे आप लोग, 64 में बी लगाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 65, क्या है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं, तो इसमें आपको बताना है। तो आप जानते हैं अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषि कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। सही क्या चुनना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, ठीक है। फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील, बिल्कुल सही है। कंबाइन कटाई मशीन, ट्रैक्टरों एवं मिनी टैंकों की क्रय के लिए, बिल्कुल गलत है। फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए फार्म लिए, बिल्कुल सही है। फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, बिल्कुल सही है। परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए, गलत है। तो इसमें आपका केवल बी ऑप्शन सही है, यानी कि 1, 3, 4 सही है, ठीक है। 66 में क्या लगाएंगे आप लोग, बी।
चलते हैं क्वेश्चन 67 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या करना है आपको, विचार ही करना है, समझ रहे हैं, और सही कथन इसमें से चुनना है आपको। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उसके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है, WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक सेवाओं के मूल्य में होने वाली परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है, ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है, गलत है। एक और दो आपका इसमें सही है, यानी कि ए ऑप्शन आप बिल्कुल सही लगाएंगे। 67 में क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन। 68 में निम्नलिखित योगों पर विचार करना है, नदी हो गई मैं जाकर मिलती है, और सही सुमिलित आपको देखना है कौन कौन से सही सुमिलित आपके दिखाई दे रहे हैं, मैकोंग, अंडमान सागर, थेम्स, आयरिश सागर, बोल्गा, कैस्पियन सागर, जम्बेजी, हिंद महासागर। तो इसमें 3 और 4 आपका सही है, 1 2 गलत है, तो इसमें क्या लगाओगे, सी ऑप्शन, 68 में सी। चलते हैं क्वेश्चन अगली तरफ। निम्नलिखित कथनों पर अब आपको विचार करना है और बिल्कुल सही कथन चुनना है आपको, क्या करना है, सही कथन चुनना है। सभी अनाजों, दालों और तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रपण खरीद भारत में के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है, चाहे बिल्कुल कथन गलत है। MSP के बारे से संबंधित जितने आसपास के क्वेश्चन जुड़ते हैं, तथ्य जुड़ते हैं, उनके बारे में जरूर पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता रहा है, तो इसमें आप डी लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें, और इसमें क्या करना है, सही कथन चुनना है, क्या करना है, उपयुक्त में से सही कथन चुनना है। भारतीय वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, बिल्कुल सही है। जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है, गलत है। स्वीकृति द्रव्य अंतर बैंक लेन देन देनों के लिए उपयुक्त अल्प अवधि का वित्त है, बिल्कुल सही है। शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है, तो इसमें आपका 1 और 3 बिल्कुल सही होगा, 2 और 4 गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग, सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है, 70 में आपका सी। चलते हैं 71 क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है आपको, इसमें सही सुमिलित आपको देखना है, क्या देखना है, सही सुमिलित आपको देखना है। परिव्राजक, परित्यागी, भ्रमणकारी, बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। श्रवण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये भी सही है। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये गलत है आपका, तो 1 भी सही है 2 भी सही है, यानी कि आपका, माफी चाहता हूं फिर से गलती हो गई, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है, 3 और 1 सही है, 1 और 3 सही है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, बी। क्या करूं, जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है, 71 में बी। फिर आप देखेंगे भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको चुनना है। हाथियों के समूह का नेतृत्व मदा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। इसमें सही कथन आपको चुनना है, क्या करना है, सही कथन चुनना है, तो इसमें 1 और 2 सही होगा, केवल केवल ए ऑप्शन से 1 और 2 सही, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। क्यों है, हाथियों के समूह का नेतृत्व मदा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, ठीक है। चलते हैं 73 क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। संरक्षित क्षेत्र जो कावेरी बेसिन है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आपके शामिल हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा नागरहोली राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, ये भी सही है, तो इसमें आपका सी होगा, 73 में आपका सी होगा, 1 3 4। चलते हैं 74 क्वेश्चन की तरफ, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिंड मिनी वेट और राइट थ्रोटेट
रेड स्टार्ट क्या है आखिर? तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका पक्षी, क्या है? पक्षी, ठीक है। फिर आपका भारतीय अनूप मृग बारहसिंघा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन अगला, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो इसमें आपको देखेंगे आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पाद के लिए, उत्पादन के लिए। सही उत्तर चुनना है तो इसमें आपके तीनों कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन आप लगाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है, सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? अस्कोट वन जीव अभ्यारण, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन जीव अभ्यारण नहीं है, मानस राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, केवल इसमें एक और दो में मिल सकते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 78 क्वेश्चन है, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने तथा अथवा कार्बन परिचिन्ह को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो इसमें आप देखेंगे तांबे स्लैग को भी दी जाती है, शीत मिश्रित एसफाल्ट प्रौद्योगिकी को दिया जाता है, जियो टेक्स टाइल्स को भी दिया जाता है, उष्ण मिश्रित एसफाल्ट प्रौद्योगिकी को नहीं दिया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट को नहीं दिया जाता है। इसमें आपका ए होगा, 78 में ये होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या करना है? विचार करना है और सही कथन आपको चुनना है, सही कथन आपको चुनना है। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और भारत अंतर्विष्ट होते हैं, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करता है, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 79 में डी होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, खेती में बायो चार का क्या उपयोग है, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? बायो, सही कथन चुनना है, ठीक है। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। तो इसमें आपके तीनों कथन बिल्कुल सही है, क्या है? तीनों कथन सही है। अगला है 81 क्वेश्चन, क्या है? 81 क्वेश्चन है आपका, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है? उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसमें आपका 81 में क्या होगा, ये ऑप्शन 81 में ए। 82 क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में नगर घंटाशाला कदुरा और चौल किस लिए विख्यात थे? तो ये आपको देखेंगे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे, ठीक है। क्वेश्चन है 83, कृषि में शून्य जुताई का के क्या लाभ है, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा, तीनों सही होंगे, 83 में डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको, कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज गलत है, कुल्थी गलत है, सड़ा आलू, चुकंदर। तो इसमें आपका होगा क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, 1, 2, 5, 6, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 84 में क्या लगाएंगे, ए। चलते हैं क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की सामाजिक मूल पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका माप, तो विगत वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 85 में ए ऑप्शन।
86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सही कथन आपको चुनना है। बिल्कुल, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। गलत है, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी का उत्पादन घटा है, तो ये भी गलत है। केवल एक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है और विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहे दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है, यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे कि यह फसल है कपास। क्या है? कपास। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। ठीक है, तो ये सही है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वाले के लिए नहीं। तो इसमें माफ करिएगा, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है आपको, और सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। जब बड़ चिप्स सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में पित्ती रोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। बिल्कुल सही बात है। जब सेट्स का सीधा रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट की तुलना में बेहतर होता है। गलत है। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। बिल्कुल सही है। तो इसमें एक और चार आपका कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन है 90। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? तो इसमें आप देखेंगे फसल विविधीकरण, विविधि रोपण, सिम अधिक टेंसियोमीटर का प्रयोग, ऊर्ध्वाधर कृषि का। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन हमारा, कृषि फर्टिगेशन के क्या लाभ है? इसका सही उत्तर चुनना है आपको। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव। बिल्कुल सही है। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉरेंसिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुपयोग संभव। गलत है। पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। रासायनिक पुष्कों के निचालन में कमी संभव। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? एक सही है, तीन सही है, चार सही है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 91 में सी। क्वेश्चन है 92। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है आपको। क्या करना है? विचार ही करना है। भारत में उपयुक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? तो इसमें आप देखेंगे क्रोमाइट है, कायनाइट है, सेलिमेनाइट है। ठीक है, इसमें आपका 2, 3, 4 है, यानी कि डी ऑप्शन आप सही लगाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन अगली तरफ। 93। महासागर और औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। ओएमटी को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर तक पर होती है। बिल्कुल गलत है। ओएमटी जो जनवरी जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। तो ए आपका सही है, दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। तो इसमें केवल बी ऑप्शन सही है आपका। 94 क्वेश्चन है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन आपको चुनना है। वर्तमान में रासायनिक उर्वरक का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। बिल्कुल गलत है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है। सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखाना का उप उत्पाद है। बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका केवल 2 और 3 कथन सही है। 94 में आपका बी ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन हमारे सामने 95, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके मरु उद्यान की बात कर रहा है? यह दो जिलों में विस्तृत है, बिल्कुल सही है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, ये गलत है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्राकृतिक आवास है, तो ये भी सही है। आपका इसमें क्या होगा? यह एक सही होगा, या दो जिलों में विस्तृत है, या ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के प्राकृतिक आवास में से एक है, यानी कि 1-3 होगा। 1-3 किसमें है? सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 96 क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, 96D। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से युग सही सम्मिलित हैं? ये प्रसिद्ध स्थल हो गए, वर्तमान राज्य हो गए, क्या हो गए? वर्तमान स्थल भीलसा मध्य प्रदेश में देखने को, द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है, ग्रीनगर गुजरात, ये आपका गलत है। ग्रीनगर, माफ करिए, ग्रीनगर गुजरात में, स्थानीय स्वर उत्तर प्रदेश, गलत है। तो इसमें आपका एक सही है और 3 सही है। ठीक है, तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग? ए ऑप्शन 97 में ए। क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही कथन है ये चुनना है आपको। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत में के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया है, गलत है। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, बिल्कुल सही है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, 98 में। क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको चुनना है, क्या चुनना है? सही कथन आपको चुनना है। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होती है, गलत है। केवल कुछ चक्रवाती केंद्र में वताक्षी उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही है। चक्रवात की वताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 सही है और 3 सही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बी नहीं, आपका केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, सी ऑप्शन सही है। आप सोचिए कि 1 से 1.5 घंटे हम लोगों को सॉल्व करने में लग गए, तो परीक्षा में आपके पास इतना जल्दी आपको पढ़ना पड़ता है कि आपके पास टाइम भी नहीं रहता है, तो एक तरह से सुपर फास्ट रहना चाहिए। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो यह नागार्जुन सागर श्री सैलम के पास, 100 में आपका सी होगा, 100 में क्या होगा? सी होगा। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस, एक काम के लिए आपका मिलता है। ठीक है, इसमें एक और बात बोलूं, अगर आपको लगता है कि ये गलत है, क्वेश्चंस कोई गलत है, तो आप लोग सुधार लीजिए, सर्च कर लीजिए। और कुछ दिनों में क्या रहेगा कि आपका जब यूपीएससी की तरफ से आपकी मेन आंसर किया है, उस समय भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है आंसर की पर, ठीक है, जो लोग मतलब दिए थे पेपर उनके लिए आंसर की जरूरी है, आपके लिए क्वेश्चन ही जरूरी है कि किस पैटर्न में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक बार क्वेश्चन आ चुका है, वो दोबारा कभी नहीं आएगा। देखिए, एक आध दो क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाते हैं कभी कभार तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कम ही अब होते हैं वो। आप सोचिए 2010-09 के पहले का समय गया, अब आपका पैटर्न बदल चुका है। ठीक है, तो 2020 तक के, आपके 11 से लेकर 2020 तक के हम लोग देख चुके हैं। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट सूची जरूर विजिट कर लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई मटेरियल रह गया है, सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, एनसीईआरटी, आप समझ रहे हैं, कवर करवाने का मतलब है कि सिविल सर्विस का पैटर्न आपका हो चुका है, और जो भी बुक्स रह गई हो उन्हें बताइए, कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एम लक्ष्मीकांत की आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, कवर इसलिए नहीं करवाई गई है क्योंकि हो सकता है कि वो आप कॉपीराइट का वो दे दें। ठीक है, तो नोट्स सोच रहा हूँ कि नोट्स से उसका बना के आपको पढ़ा दूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी रहता है उसमें। ठीक है, मिलते हैं 2021 के लिए, शुभकामनाएं आपके साथ, और 2021 फाड़िए आप लोग। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ जरूर लीजिए आप लोग, उसके बाद ही आप लोग पेपर जाइए देने।